हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मॉडल सीरीज में कैन के सभी यूजेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैन के जितने भी यूजेस हैं आज इस इकलौते वीडियो में हम पूरे यूजेस देखने वाले हैं। अगर आप भी कैन के सभी यूजेस सीखना चाहते हैं वो भी डिटेल में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरु जी। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आज इस वीडियो में हम लोग कैन के सभी यूजेस को देखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि वैसे भी हम लोग कैन के जितने भी यूजेस देख रहे हैं इसके लिए सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप कैन का सेपरेट यूज देखना चाहते हैं तो इसका एक अलग वीडियो बना हुआ है, कैन हैव का एक अलग वीडियो बना हुआ है, कैन हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म का, कैन हैव कैन बी देन ऑब्जेक्ट है, इसका एक अलग वीडियो बना हुआ है। तो सबके वीडियोस मौजूद हैं अपने चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आप वहां जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अब यहां पर एक ही वीडियो में मैं कैन के पूरे यूजेस बताऊंगा। देखिए सबसे पहले पहला यूज, सब्जेक्ट प्लस कैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कैन सकता सकते सकते आकर है हुआ है। जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में सकता सकते सकते आकर है हुए हैं, इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो ये एबिलिटी कैपेसिटी और पावर को दर्शाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस हम लोग कैन में बनाते हैं। जैसे राम बाजार जा सकता है, तुम खाना खा सकते हो, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, वो झूठ बोल सकता है, वह यहां आ सकता है। जैसे राम यहां आ सकता है, सो राम कैन कम हियर, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, सो आई कैन टीच यू, तुम गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग अ सॉन्ग, रोहन मुझे डरा सकता है, रोहन कैन थ्रेटन मी, तुम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई फॉर जॉब, हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, सो वी कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस, मैं बोर्ड पर लिख सकता हूं, सो आई कैन राइट ऑन द बोर्ड, वह पंखे का बटन बंद कर सकता है, सो ही कैन स्विच ऑफ द फैन, ही कैन स्विच ऑफ द फैन, मैं आपको इग्नोर कर सकता हूं, सो आई कैन इग्नोर यू, तुम स्ट्रगल कर सकते हो, सो यू कैन स्ट्रगल। दोस्तों अगर इसका पास्ट टेंस बनाना है, ठीक है, मतलब कैन का पास्ट टेंस कैन हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी बनता है, ठीक है ना। बहुत कम स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं पर ये भी बनता है। तो सब्जेक्ट प्लस कैन हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, सकता सकते सकते आकर थाती थे। और इसी की तरह कुड हैव भी बनता है, कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो आप कैन हैव यूज कर सकते हैं, सकता सकते सकते आकर थाती थे, और अब कैन हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे तो आप ये मीनिंग निकाल सकते हैं, उसका मीनिंग सकता सकते सकते आकर थाती थे में निकलेगा। जैसे मैं बाजार जा सकता था, वह खाना खा सकता था, मैं आपसे बात कर सकता था, मैं आपको पढ़ा सकता था, वह झूठ बोल सकता था। जैसे राम यहां आ सकता था, सो राम कैन हैव कम हियर, कम का थर्ड फॉर्म भी लगेगा कम। जैसे मैं आपसे बात कर सकता था, सो आई कैन हैव टॉक्ड विथ यू, तुम मेरी मदद कर सकते थे, सो यू कैन हैव हेल्प्ड मी, मैं आपको पीट सकता था, सो आई कैन हैव बिटन यू, तुम फैन रिपेयर कर सकते थे, सो यू कैन हैव रिपेयर्ड अ फैन, वह मुझे पैसे दे सकती थी, सो शी कैन हैव गिवन मनी टू मी, मैं आपको मोटिवेट कर सकता था, सो आई कैन हैव मोटिवेटेड यू। दोस्तों उसी तरह अगर हम लोग कैन बी का यूज देखें तो कैन बी का यूज देखना, सब्जेक्ट प्लस कैन बी देन ऑब्जेक्ट। अब ये कैन बी एडवांस वर्ब ऑफ टू बी है, जिसमें कुछ या कहीं हो सकता है। जब सब्जेक्ट कुछ या कहीं हो सकता है इस बारे में जब सब्जेक्ट कुछ या कहीं हो सकता है इस बारे में हम लोग बात करते हैं तो वह हम लोग कैन बी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं आती। जैसे राम अमीर हो सकता है, सो राम कैन बी रिच, तुम गरीब हो सकते हो, यू कैन बी पुअर, अंकित एग्जाम में टॉपर हो सकता है, सो अंकित कैन बी टॉपर इन द एग्जाम, तुम मेरे हेल्पर हो सकते हो, यू कैन बी माई हेल्पर, वह मेरा नौकर हो सकता है, सो ही कैन बी माई सर्वेंट, वह खेत में हो सकता है, सो ही कैन बी इन द फार्म, हम साइबर कैफे में हो सकते हैं, सो वी कैन बी इन द साइबर कैफे, वह बर्थडे पार्टी में हो सकता है, सो ही कैन बी इन द बर्थडे पार्टी, तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, सो यू कैन बी अ सक्सेसफुल, ठीक है ना। उसी तरह अगर दोस्तों सब्जेक्ट कैन बी, अभी कैन बी के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट जुड़ जाए तो सेंटेंस कैसा होगा, इसको देखते हैं। कैन बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, सकता सकते सकते आकर है हुए हैं। आपने जो ऊपर कैन पढ़ा है ना दोस्तों, कैन की जगह आप कैन बी भी यूज कर सकते हैं। अब इस कैन बी के दो यूजेस हैं, मैंने आइडेंटिफिकेशन तो एक ही लिखी है लेकिन इसके यूजेस दो होते हैं। सब्जेक्ट कैन बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, सकता सकते सकते आकर है हु हो, इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे अगर यहां पर कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है तो यहां कैन बी के बाद आईएनजी फॉर्म लगता है। जैसे राम बाजार जा सकता है, तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, सो राम कैन गो टू मार्केट या राम कैन बी गोइंग टू मार्केट, ये दोनों ही सेंटेंस सही है। बिल्कुल आंख बंद करके इसको यूज इसका सीख लीजिए। जैसे मोहन मोबाइल रिपेयर कर सकता है, मोहन कैन रिपेयर अ मोबाइल या मोहन कैन बी रिपेयरिंग अ मोबाइल, मैं आपके साथ बात कर सकता हूं, सो आई कैन टॉक विथ यू या आई कैन बी टॉकिंग विथ यू, वह मुझे इग्नोर कर सकता है, सो ही कैन इग्नोर मी या ही कैन बी इग्नोरिंग मी, तुम स्ट्रगल कर सकते हो, सो यू कैन स्ट्रगल या यू कैन बी स्ट्रगलिंग, मैं पैसे कमा सकता
सकता हूं, आई कैन अर्न मनी या आई कैन बी अर्निंग मनी, दोनों सेंटेंस सेम होंगे। इसके साथ साथ कैन बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी इस तरह भी यूज होता है, जैसे वो पैसे कमा रहा हो सकता है, वो मुझसे बात कर रहा हो सकता है, मैं उसको समझा रहा हो सकता हूं, वह पढ़ाई कर रहा हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंस कम यूज किए जाते हैं, पर ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं कि जैसे राम पढ़ाई कर रहा हो सकता है, सो राम कैन बी स्टडिंग, वह मुझे धोखा दे रहा हो सकता है, सो ही कैन बी चीटिंग मी, वह मुझे समझा रहा हो सकता है, सो ही कैन बी एक्सप्लेनिंग मी, जैसे टीचर बच्चों को पढ़ा रहा हो सकता है, सो टीचर कैन बी टीचिंग स्टूडेंट, वह मेहनत कर रहा हो सकता है, सो ही कैन बी वर्किंग हार्ड। इस तरह दो तरह के सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे मैं बाजार जा सकता हूँ, सो आई कैन बी गोइंग टू मार्केट भी बना सकता हूँ, या मैं बाजार जा रहा हो सकता हूँ, सो आई कैन बी गोइंग टू मार्केट। जैसे राधा पढ़ाई कर सकती है, सो राधा कैन बी टीचिंग, सॉरी राधा कैन बी स्टडिंग, राधा पढ़ाई कर सकती है या राधा पढ़ाई कर रही हो सकती है, सो राधा कैन बी स्टडिंग, दोनों सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। आगे देखिएगा कैन का नेक्स्ट यूज, सब्जेक्ट कैन हैव दैट ऑब्जेक्ट, के पास कुछ हो सकता है, जब सब्जेक्ट के पास कुछ हो सकता है ऐसी जानकारी मिलती है तो हम लोग कैन हैव का यूज करते हैं। ये एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव है, इसको भी पढ़ाया हुआ है हम लोगों ने सेपरेट वीडियो में। जैसे मेरे पास पैसा हो सकता है, आपके पास बैंक बैलेंस हो सकता है, मोहन के पास फोर व्हीलर का लाइसेंस हो सकता है, मेरे पास पावर हो सकती है, आपके पास करियर के ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखिए मैं मेरे पास करियर के ऑप्शन हो सकते हैं, सो आई कैन हैव ऑप्शन फॉर करियर, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस हो सकता है, सो यू कैन हैव बैंक बैलेंस, राम के पास डिग्री हो सकती है, सो राम कैन हैव डिग्री, मेरे पास फोर व्हीलर का लाइसेंस हो सकता है, सो आई कैन हैव लाइसेंस ऑफ फोर व्हीलर, तुम्हारे पास एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के एग्जांपल्स हो सकते हैं, सो यू कैन हैव एग्जांपल्स ऑफ एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव, हमारे पास टाइम हो सकता है, सो वी कैन हैव टाइम, राम के पास 10,000 रुपये हो सकते हैं, सो राम कैन हैव 10,000 रुपीज। ठीक है, उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग कैन हैव का पास्ट टेंस बनाना चाहे तो बनता है कैन हैव हैड, ये भी कैन का अगला यूज है, तो सब्जेक्ट प्लस कैन हैव हैड ऑब्जेक्ट। अब इसका पास्ट बनाना है, सपोज मुझे बोलना है मेरे पास पैसा हो सकता था, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस हो सकता था, राम के पास डिग्री हो सकती थी, मेरे पास टाइम हो सकता था। अब मुझे अगर प्रेजेंट बनाना है, मेरे पास पैसा हो सकता है तो बनाऊंगा कैन हैव, और अगर मेरे पास पैसा हो सकता था तो बनाऊंगा कैन हैव हैड। जैसे मेरे पास पैसा हो सकता है, सो आई कैन हैव मनी, मेरे पास पैसा हो सकता था, सो आई कैन हैव हैड मनी, राम के पास डिग्री हो सकती है, राम कैन हैव डिग्री, राम के पास डिग्री हो सकती थी, सो राम कैन हैव हैड डिग्री, तुम्हारे पास 10,000 रुपये हो सकते हैं, यू कैन हैव 10,000 रुपीज, तुम्हारे पास 10,000 रुपये हो सकते थे, सो यू कैन हैव हैड 10,000 रुपीज, मेरे पास नॉलेज हो सकता है, सो आई कैन हैव नॉलेज, मेरे पास नॉलेज हो सकता था, सो आई कैन हैव हैड नॉलेज, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो सकता है, सो यू कैन हैव एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो सकता था, सो यू कैन हैव हैड एक्सपीरियंस। तो ये कैन हैव का पास्ट टेंस के तौर पर यूज किया जाता है। दोस्तों कैन का नेक्स्ट यूज देखते हैं, सब्जेक्ट कैन हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर आप लोगों ने मे हैव टू का यूज नहीं देखा तो उसको भी समझ लीजिएगा, ये दोनों के यूजेस लगभग एक जैसे होते हैं, आप मे हैव टू बोलो या कैन हैव टू बोलो दोनों सेम है, ठीक है ना। तो कैन हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, नानी ने आकर, पढ़ा कर, सकता सकती सकते आकर, हैव हुआ है, जैसे मुझे बाजार जाना पड़ सकता है, तुम्हें खाना खाना पड़ सकता है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ सकता है, जैसे टीचर को पढ़ाना पड़ सकता है, तो टीचर कैन हैव टू टीच, मुझे आपकी मदद करनी पड़ सकती है, सो आई कैन हैव टू हेल्प यू, तुम्हें मेरा सपोर्ट लेना पड़ सकता है, सो यू कैन हैव टू टेक माई सपोर्ट, मुझे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने पड़ सकते हैं, सो आई कैन हैव टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता है, सो इलेक्ट्रिशियन कैन हैव टू रिपेयर फैन, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ सकती है, सो यू कैन हैव टू हेल्प मी, मुझे आपको पीटना पड़ सकता है, सो आई कैन हैव टू बीट यू, तुम्हें मुझे थप्पड़ मारना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू स्लैप मी, मुझे स्ट्रगल करना पड़ सकता है, सो आई कैन हैव टू स्ट्रगल, राम को सुबह जल्दी उठना पड़ सकता है, सो राम कैन हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कैन हैव टू, नानी ने आकर पढ़ाकर सकता सकती सकते आकर है हुए हैं। दोस्तों अगर इसी का पास्ट टेंस बनाना है तो हम लोग कुड हैव टू में भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुड हैव टू का यूज़ नहीं देख रहे हैं, हम इसका पास्ट टेंस कैन हैव हैड टू के सेंस में भी बना सकते हैं। जैसे राम को बाजार जाना पड़ सकता था, सो राम कैन हैव हैड टू गो टू मार्केट, तुम्हें यहाँ आना पड़ सकता था, सो यू कैन हैव हैड टू कम हियर, मुझे आपको पढ़ाना पड़ सकता था, सो आई कैन हैव हैड टू टीच यू, तुम्हें गाना सुनना पड़ सकता था, सो यू कैन हैव हैड टू लिसन सॉन्ग, मुझे आपकी मदद करनी पड़ सकती थी, सो आई कैन हैव had to help you, तुम्हें मेरा support करना पड़ सकता था, so you can have had to सपोर्ट मी, जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ सकता था, सो आई कैन हैव हैड टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों दोनों यूजेस देख लीजिए, मुझे बाजार जाना पड़ सकता
है और मुझे बाजार जाना पड़ सकता था, तो मैं गाना गाना पड़ सकता है, तो मैं गाना गाना पड़ सकता था। अब मैंने बोला जैसे तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है, सो यू कैन हैव टू अप्लाई फॉर जॉब। तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ सकता था, सो यू कैन हैव हैड टू अप्लाई फॉर जॉब। मम्मी को चाय बनानी पड़ सकती है, सो मम्मी कैन हैव टू मेक टी। मम्मी को चाय बनानी पड़ सकती थी, सो मम्मी कैन हैव हैड टू मेक टी। बना सकते हैं दोस्तों, है ना। जैसे आपको जॉब ढूंढना पड़ सकता है, सो यू कैन हैव टू लुक फॉर जॉब। लुक फॉर माने ढूंढना भी होता है, यू कैन हैव टू लुक फॉर जॉब। आपको जॉब ढूंढना पड़ सकता था, सो यू कैन हैव टू लुक, यू कैन हैव हैड टू लुक फॉर जॉब। जैसे मुझे स्ट्रगल करना पड़ सकता है, सो आई कैन हैव टू स्ट्रगल। मुझे स्ट्रगल करना पड़ सकता था, सो आई कैन हैव हैड टू स्ट्रगल। दोस्तों कैन का लास्ट यूज इस वीडियो में सब्जेक्ट प्लस कैन हैविंग टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। नानी ने आकर पढ़ाकर रहा रही रहे आकर है हुए आए। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, तुम्हें खाना खाना पड़ रहा है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, राम को झूठ बोलना पड़ रहा है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ रही है। जैसे तुम्हें मेरी बात माननी पड़ रही है, यू कैन हैविंग टू फॉलो मी। मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, सो आई कैन हैविंग टू टीच यू। जैसे उसे भगवद गीता पढ़नी पड़ रही है, सो ही कैन हैविंग टू रीड श्रीमद भगवद गीता। इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करना पड़ रहा है, सो इलेक्ट्रिशियन कैन हैविंग टू रिपेयर फैन। मुझे आपकी मदद करनी पड़ रही है, सो आई कैन हैविंग टू हेल्प यू। हमें धार्मिक ग्रंथ पढ़ने पड़ रहे हैं, सो वी कैन हैविंग टू रीड रिलीजियस ट्रिटाइज या रिलीजियस बुक्स, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। रिलीजियस ट्रिटाइज, ट्रिटाइज का मतलब होता है ग्रंथ, ठीक है ना। मुझे आपकी मदद करनी पड़ रही है, मैं करना तो नहीं चाहता पर करनी पड़ रही है, सो आई कैन हैविंग टू हेल्प यू। तो मैं वीडियो बनाना पड़ रहा है, सो यू कैन हैविंग टू मेक वीडियो। जैसे मुझे ड्रामा करना पड़ रहा है, सो आई कैन हैविंग टू मेक ड्रामा या आई कैन हैविंग टू ड्रामेटाइज, वर्ब है उसके लिए ड्रामेटाइज। जैसे मोहन को सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, सो मोहन कैन हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कैन के जितने भी यूजेस इस वीडियो के माध्यम से समझ में आए होंगे। कुछ चीज अगर छूट भी जाए तो मैं आगे के वीडियोस में उनको कवर जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।